हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग जेनकिंस की मदद से किसी को मेल कैसे भेजते हैं, क्योंकि मेल भेजना बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूज केस है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि आपको अगर कोई पैकेज आप डिप्लॉय या आप पैकेज बिल्ड कर रहे हैं या डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उस केस में आपका फेलियर आ सकता है या पास सक्सेसफुल हो सकता है। तो उस केस में आपको एडमिन को मेल भेजना पड़ेगा कि आपका फेलियर क्यों हुआ या पास क्यों हुआ। तो आपका अपना अपना यूज केस होता है, पर मेल भेजना एक बहुत ज्यादातर यूज होता है, बहुत यूजफुल यूज केस है। तो हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग मेल भेज सकते हैं जेनकिंस की मदद से। तो सबसे पहले चीज, आपको मेल भेजने से पहले आपको अपने गूगल अकाउंट, अपने जीमेल अकाउंट में सेटिंग करना पड़ेगा, दो तीन चीज इनेबल करना पड़ेगा। क्या इनेबल करना पड़ेगा चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा एक ईमेल आईडी है वर्ल्ड एचकेएम, तो मैं क्या करूंगा, worldhkm@gmail.com, तो इससे मैं मेल भेजूंगा इस पे vinayak04u@gmail.com। मैं इस आईडी पे मेल भेजूंगा अपना इस आईडी से, ठीक है। तो आपको जिससे जिस आईडी से आपको मेल भेजना है, उस आईडी में आपको दो तीन चीज चेंज करना पड़ेगा। क्या? तो पहले मैं इस जीमेल अकाउंट में आता हूँ। इस जीमेल अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आप अपना मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप सिक्योरिटी में आइएगा। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे आपको ये टू स्टेज वेरिफिकेशन इनेबल करना पड़ेगा। आप इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद आपको बस टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको एक तरह से ओटीपी आएगा, आपको डालना, आपका हो जाएगा। यहाँ पे ये टू स्टेज वेरिफिकेशन है, ये मेरा इनेबल है, तो मैं अभी इस पे नहीं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। टू स्टेज वेरिफिकेशन जब आप इनेबल कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको एक और चीज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सर्च योर गूगल अकाउंट्स में आइएगा और यहाँ पे आप ऐप पासवर्ड सर्च कीजिएगा। ऐप पासवर्ड सर्च कीजिएगा और यहाँ पे आपको ऐप पासवर्ड ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दे दीजिए अपने मतलब जीमेल अकाउंट का। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ये मैं यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऐप में आइए और यहाँ पे आपको जेनकिंस दिख नहीं रहा, तो आप कस्टम नेम में जाइए और कस्टम नेम में जाने के बाद आप यहाँ पे जेनकिंस कीजिए और जेनकिंस लिखने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही जनरेट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक तरह से पासवर्ड आएगा। पासवर्ड शायद 12 या 16 अंक का होता है, ठीक है, वो उतना डिजिट का होता है। तो वो एक आपको पॉपअप करेगा, जैसे ही आप जनरेट पे कीजिएगा वो पॉपअप करेगा, ठीक है। आपको वो कॉपी कर लेना है और कहीं पे आप उसको सेफली रख लीजिए, क्योंकि वो बाद में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप उस जो पॉपअप होगा एक बार उसको सेव कर लीजिए, कहीं पे कॉपी करके कहीं पे सही जगह रख लीजिए, क्योंकि वो आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको फिर नया जनरेट करना पड़ सकता है, इसीलिए उसको क्या कीजिएगा, आप एक सही जगह सेव करके रख लीजिएगा। तो ये दो काम जब हो जाएगा तो हमारा जीमेल का सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको जेनकिंस में अपना कॉन्फिगर करना है, ठीक है। तो जेनकिंस में कॉन्फिगर करने के लिए सबसे पहले आपको मैनेज जेनकिंस में आना है, मेरा ओपन है। तो मैनेज जेनकिंस में आने के बाद आप यहाँ पे कॉन्फिगर सिस्टम में आइएगा, कॉन्फिगर सिस्टम में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ओपन होने दीजिए। यहाँ पे फिर आपको मेल, अपना मेल सर्वर के बारे में कुछ कुछ सेटिंग यहाँ पे इनेबल करने, सेटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपका कौन सा मेल सर्वर है, जैसे मैं यहाँ पे जीमेल यूज करूंगा तो जीमेल का सर्वर होता है smtp.gmail.com, तो ऐसे ही होता है। तो आपका अलग अलग मेल सर्वर का अलग अलग सर्वर होता है, ठीक है। तो आप जब इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। एक दिखेगा एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन और एक आपको दिखेगा नॉर्मल सा ईमेल नोटिफिकेशन। ये दोनों आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें खाली आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेगा, पर आप अगर एक्सटेंडेड ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इसमें आप बहुत सारा डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको खाली अपना एसएमटीपी सर्वर देना है। एसएमटीपी सर्वर मतलब यहाँ पे होगा smtp.gmail.com, ठीक है। ये मेरा, मैं इसीलिए ये दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपना जीमेल, तो ये इसलिए यहाँ दे रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे आके आप सर्च कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप अपना यूज कर रहे हैं आउटलुक, तो आउटलुक का यहाँ पे आप देखिए आउटलुक एसएमटीपी सर्वर, तो आप यहाँ पे आके सर्च कीजिए अपना आउटलुक का एसएमटीपी सर्वर। तो यहाँ पे जो भी होगा, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ देखिए smtp.office.com। तो ये अपना अलग अलग होता है सबका। तो जैसे यहाँ पे जीमेल का होता है smtp.gmail.com, जैसे मैं दिखाऊँ आप लोगों को जीमेल का, जीमेल एसएमटीपी सर्वर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे smtp.gmail.com दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे सर्च कीजिएगा तो आपको अपने अपना ईमेल आईडी का जो भी आपका आप यूज कर रहे हैं मेल सर्वर उसका आपका smtp सर्वर सर्च कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पहले तो यूज smtp ऑथेंटिकेशन करना है और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम देना है। यूजर नेम मतलब आपका जिस ईमेल आईडी से आप भेजना चाहते हैं, मैं भेजना चाहता हूँ worldhk@gmail.com। और उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड देना है, पासवर्ड आप दीजिएगा जो आपने ऐप पासवर्ड पर जब आप यहाँ पे जो जनरेट किए होंगे पासवर्ड, वो पासवर्ड जो आप कॉपी करके रखे होंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। अपने अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे नहीं देना है, आपको ऐप पासवर्ड से जो 12 या 16 डिजिट का, मैं देख लेता हूँ कितना डिजिट का नंबर है, उतना डिजिट का नंबर जो आता है उसको आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, अभी एक मिनट मैं दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, आप भी यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए जो कि ऐप पासवर्ड से जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप यूज SSL कर लीजिए और यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो SSL का जो पोर्ट नंबर है 465 है, तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर देना है, मैं 465 दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं आपका ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मेल भेजना चाहता हूँ वो मेल आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ। आप भी अगर टेस्ट करना चाहते हैं आपका सही से कॉन्फिगर हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं जो भी आपका मेल आईडी जिस पे भेजना चाहते हैं, मैं vinayak04@gmail.com पे भेजना चाहता हूँ, आप टेस्ट कॉन्फिगरेशन पे सही कीजिए। अगर ये सही से मेल गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली सेंड, और नहीं जाएगा नहीं आएगा तो देखिए मेरा यहाँ पे ईमेल वाज सक्सेसफुली सेंड, मतलब ये मेरा सही से कॉन्फिगर हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपका भी ये सही से कॉन्फिगर हुआ होगा, ठीक है। ये है ईमेल नोटिफिकेशन। तो उसके बाद अब आपको जॉब बनाना है। जॉब बना के कैसे हम लोग भेजते हैं चलिए वो जानते हैं। मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ उस जॉब का मेल, ठीक है। उसके बाद मैं फ्री स्टाइल चुनता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जानबूझ के एक यहाँ पे पहले आपको जो मेल आपको यहाँ पे ऐड करना है वो पोस्ट बिल्ड एक्शन में आएगा, क्योंकि मेल भेजना एक तरह से सब काम खत्म होने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है, जब बिल्ड आपका हो जाता है उसके बाद मेल भेजा जाता है, इसलिए आपको दिखेगा पोस्ट बिल्ड एक्शन में। आप यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको रिसिपिएंट का नाम देना है, मतलब किसको किसको आप मेल भेजना चाहते हैं वो सबका नाम दीजिए। मैं यहाँ पे vinayak04@gmail.com। उसके बाद जितना भेजना चाहते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के सबको दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, सॉरी कॉमा में बोल रहा हूँ, ये व्हाइट स्पेस सेपरेटेड आप दे सकते हैं जितना भी आपको उसके बाद मेल आईडी देना है, देना जितना देना आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेंड अ मेल फॉर एवरी अनस्टेबल बिल्ड, और यहाँ पे अभी आपको ज्यादा ऑप्शन दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी खाली यहाँ पे ये मेल तब जाएगा जब ये बिल्ड अनस्टेबल होगा, तो मैं जानबूझ के इस बिल्ड में एक एरर लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, जैसे मैं एग्जीक्यूट सेल में जानबूझ के एक एरर फेंकता हूँ, मैं क्या करता हूँ एग्जिट कोड 1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको बिल्ड करता हूँ, तो ये जॉब मेरा फेल हो जाएगा यहाँ पे, और फेल होने के बाद ये मेल मेरे उस पर चले आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ये फेल हो चुका है, अगर मैं इसका इसको ओपन करूँ और इसका कंसोल देखूँ उस जॉब का, तो इस जॉब का आप कंसोल देखिएगा तो ये मेल सेंड नहीं हुआ है। क्यों नहीं सेंड हुआ है मैं बस देखता हूँ, सेंड इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये हम लोगों ने खाली कर लिया, इसको सेव किया ही नहीं। सेव करेंगे तब ना ये कॉन्फिगर होगा, तो इसको सेव कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर इस जॉब को बिल्ड करेंगे। मेल जो जॉब है ये बहुत सारा जॉब हो जाता है, इसी कारण से हम लोग ने व्यू के बारे में पढ़ा था, व्यू कैसे हम लोग कॉन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा एक बिल्ड कीजिए, अब ये मेल सेंड होगा क्योंकि हम लोग ने पिछले बार क्या किया था, सेव नहीं किया था। तो मैं इसको अगर इस जॉब को ओपन करूँ, इस जॉब को ओपन करता हूं और इसका कंसोल देखता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे सेंडिंग ईमेल टू, इस बार वो एरर नहीं आया है, इसका मतलब मेल मेरा सेंड हुआ है, गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने vinayak नहीं दिया, तो ये मेल एड्रेस गलत है तो मेल नहीं आया, तो मेल नहीं आया तो यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे मेल आ गया है। यहाँ पे देखिए योर मैसेज वाजंट डिलीवर बिकॉज इतना इज नॉट फाउंड, तो आप समझ गए होंगे आपको मेल कैसे भेजना है, ठीक है। तो मेल भेजने के लिए बस आपको यहाँ पे सही कॉन्फिगर करना, मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ कॉन्फिगर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो एक सेकंड रुकिए, मैं तुरंत कॉन्फिगर कर सही साथ सही मेल एड्रेस यहाँ डाल देता हूँ।
यहाँ पे हम लोग बस क्या करना है, सही मेल एड्रेस डालना है। अब सेव कीजिए। अब इस बार सब कुछ सही है, अब इसको मैं बिल्ड करता हूँ तो इस बार ये सही से मेल जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा बिल्ड होगा, और तीसरा बिल्ड जब जैसे ही सक्सेसफुल बिल्ड होगा उसके बाद मेरा ये मेल जो है सही से डिलीवर होगा मेरा मेल आईडी पे vinayak04@gmail.com। इसका कंसोल मैं देखता हूँ एक बार। तो अभी देखिए ये मेल भेज रहा है और इस बार सही से भेज रहा है मेल, इसीलिए थोड़ा इसको टाइम लग रहा है मेल जाने मेल। अब देखिए यहाँ पे मेरा मेल सेंड हो चुका है और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए बता भी रहा है कि ये बिल्ड फेल्ड हुआ है, यहाँ पे सब कुछ बिल्ड फेल्ड इन जेनकिंस। तो ऐसे ही आप लोग मेल को भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं एक बात और आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग एक कॉन्फिगर और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ सबका, आप कोई काम नहीं हमको ये। इसी तरह आप लोग यहाँ पे एक और ऑप्शन था एक्सटेंडेड ईमेल नोटिफिकेशन, उसको भी हम लोग एक बार आप लोग को बता देते हैं कैसे आप लोग इन सेट करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेल में हमको नहीं, हमको मैनेज जेनकिंस में जाना है। मैनेज जेनकिंस में हम लोग एक और कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग मैंने बताया था आप लोग को वहाँ पे एक और था एक्सटेंडेबल ईमेल नोटिफिकेशन, उसको भी हम लोग अभी नहीं, उसको भी मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे सेट कीजिएगा। उसमें आप लोग कुछ ज़्यादा ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पे आप लोग अपना बॉडी दे सकते हैं ईमेल का, मतलब बहुत कुछ आप लोग एक्स्ट्रा दे सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से अगर आप लोग स्क्रॉल करके बॉटम में आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे उसी तरह SMTP सर्वर आपको देना है, जो भी आपका SMTP सर्वर है smtp.gmail.com। पोर्ट नंबर आप लोग दे दीजिए, पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे SSL यूज करेंगे तो SSL का मैंने बताया था 465 पोर्ट नंबर है, 465 भी था शायद, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर आप लोगों ने देने के बाद यहाँ पे उसके बाद आप लोग SSL चुन लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फिर डिफॉल्ट, ये अभी जरूरी नहीं है, यहाँ पे @gmail.com डिफॉल्ट ईमेल सफिक्स लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कंटेंट यहाँ पे HTML में देना है या आपको प्लेन में देना है, तो मतलब प्लेन आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट रेसिपिएंट, मतलब कोई आपका बाय डिफॉल्ट रेसिपिएंट जो आप मान लीजिए यहाँ पे जब आप जॉब कॉन्फिगर कीजिएगा वहां पे अगर कुछ नहीं रहेगा कोई भी आपका रिसिपिएंट का नाम, तो ये यहाँ से डिफॉल्ट को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद रिप्लाई टू लिस्ट यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे बताएगा कॉमा सबमिटेड ईमेल यूज इन रिप्लाई टू हेडर ऑफ द ईमेल। ये सब मेनली यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे डिफॉल्ट सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट जो मेल का होता है उस आपको बॉडी पार्ट एक तरह समझिए यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देना है मेल का। और यहाँ पे मैक्सिमम साइट अटैचमेंट, यहाँ पे आप वो क्या बोलते अपना अटैचमेंट भी आप लगा सकते हैं, मतलब कोई फाइल फोल्डर। यहाँ पे डिफॉल्ट कंटेंट आप दे सकते हैं, उसी तरह आप डिफॉल्ट पोस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद उसी तरह आप यहाँ पे बहुत सारा इनेबल आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रिगर ये मेल कब भेजना है, वहां पे सिर्फ फेलियर में जा रहा था, यहाँ पे आप ऑलवेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मतलब आप जब भी कोई फेलियर ले सक्सेस हो कहीं भी हो वहां पे भी भेज सकते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यही इसी तरह आप लोग ईमेल भेजते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा आप लोग कैसे ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैं एक बार ये भी करके आप लोग को दिखा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑलवेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जो जो आपको अपने हिसाब से चेंज करना है कर लीजिए, ठीक है। इसको आप सेव कीजिए और सेव करने के बाद बस आपको यहाँ पे आके आपको बस सेम वे में यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ नया मिल जाएगा, बस यहाँ पे एक डिटेबल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आप लोग ईमेल नोटिफिकेशन ऐसा समझिए, दोनों में से आप एक ही कॉन्फ़िगर कीजिएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ, इस दोनों में से दो ऑप्शन जो था यहाँ पे, एक एडिटेबल ईमेल नोटिफिकेशन और एक ईमेल नोटिफिकेशन, दोनों में से कोई एक ही कॉन्फ़िगर कीजिएगा। और फिर एक ही कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ पे आके ईमेल नोटिफिकेशन चुनिए और सिंपल यहाँ पे आप रिसिपिएंट का नाम दीजिए और इसको आप अनटिक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रिगर सेट है हमारा। जब आप एडिटेबल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट ट्रिगर सेट किया है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रिगर में यहाँ पे आपने ऑलवेज सेट किया है, तो यहाँ पे आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप ये सेट कीजिएगा तो उस केस में जब अनस्टेबल बिल्ड होगा तभी जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलवेज जाएगा। उसी तरह आप लोग यहाँ पे अपना डिफॉल्ट अपना रिसिपिएंट का नाम दे सकते हैं, नहीं दीजिएगा तो वो डिफॉल्ट जो आपने सेट किया यहाँ पे तो वही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी
उसको भी सॉल्व करूंगा। और आपका अपना कोई यूज केस है तो आप वो बताइए, नहीं तो मैं अब जेनकिंस फाइल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब पाइपलाइन का कोड मैं स्टार्ट करूंगा अब जेनकिंस में। दो वीडियो बचे हुए हैं, दो या तीन वीडियो, उसके बाद मैं पाइपलाइन स्टार्ट कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।